नोएडा का ट्विन टावर ढहने के बाद अब सेकेंडरी डेमोलिशन का काम शुरू कर दिया गया है। सेकेंडरी डेमोलिशन में मलबे को डिस्पोज किया जाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें इस वक्त साइट पर मौजूद हैं और इन्हीं बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से मलबा भी हटाया जाएगा। करीब 80,000 टन मलबा ग्राउंड जीरो पर पड़ा है। इसके अलावा धूल मिट्टी की एक लेयर आसपास के इलाकों में फैली है। मलबे के साथ साथ धूल मिट्टी को भी साफ करने का काम शुरू हो गया है। एक तरफ मलबे को साफ किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ट्विन टावर के बगल की दो सोसाइटीज में जिंदगी सामान हो रही है। करीब 5,000 लोग ट्विन टावर के आसपास की दो सोसाइटीज में रहते हैं और इन दो सोसाइटीज के ज्यादातर लोग अब अपने घरों को वापस आ चुके हैं। लोगों के घरों में, गार्डन में, टेरेस में धूल मिट्टी सब जमा है। अब देखिए साफ करने के काम में भी लोग जुट चुके हैं, थोड़ा वक्त भी लगेगा। टावर के गिरने से एटीएस विलेज सोसाइटी की 10 मीटर की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा। वो बाउंड्री वॉल गिर गई और उसी तरफ जो कुछ घर थे उन घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूटे, क्योंकि जब एक्सप्लोजन हुआ तो कुछ हिस्सा वहां पर भी गया। ट्विन टावर्स कल ध्वस्त हो चुके हैं और आप यहाँ पर जो पूरा डेब्री है उसको तोड़ने के लिए वेटर मंगाए गए हैं। दो वेटर यहाँ पर मौके पर आ पहुँचे हैं और देखेंगे कि किस तरीके से इनको अंदर लेकर जाया जा रहा है कि यहाँ पर टायर्स रखे जा रहे हैं, क्योंकि इस वेटर में इतना वजन है और पूरे लोहा है नीचे, तो ऐसे में ये टायर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जैसे जैसे ये वेटर आगे बढ़ रहा है वहीं पर ये टायर्स को लगाया जा रहा है नीचे की तरफ और फिर उसके ऊपर से ये वेटर जा रहा है। फिर भी काफ़ी निशान छोड़ता हुआ ये पीछे की ओर जा रहा है और अब ये वेटर जाएगा और उसके बाद में जो आगे इसमें ड्रिलिंग का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो मदद करेगा जो वहाँ डेब्री पड़ी हुई है उसको तोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। एक तरीके से ये पूरी कोशिश होगी कि जो डेब्री है उसके छोटे टुकड़े किए जाएं और उसके अंदर से जो भी यूज़फुल मटेरियल है वो रिकवरी की जाए और इसीलिए यहाँ पर ये वेटर पहुँच गया है। और देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इससे ये समझना बेहद ज़रूरी है कि सड़क को किसी तरीके का नुकसान ना हो, इसलिए इस वेटर को इस तरीके से यहाँ से ले जाया जा रहा है। और बार बार जो यहाँ वर्कर्स मौजूद हैं वो नीचे टायर लगा रहे हैं और उसके बाद उसको आगे कर रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ एक वेटर पहुँचा है बल्कि दूसरा वेटर भी, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर एक दूसरा वेटर भी पहुँचा है जो कि इस पूरे सेकेंडरी डिमोलिशन जो तोड़ा जाएगा उसको, मलबे को, उस काम को करेगा। उसके आगे भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो मदद करेंगे तोड़ने में जो भी बड़े बड़े चंक्स हैं जो कल ब्लास्ट के बाद में निकले थे उनको तोड़ने में ये मदद करेंगे। और इसी से की मदद से जो कंस्ट्रक्शन, जो पूरी साइट पर जो मलबा पड़ा हुआ है उसको कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लेकर जाया जाएगा और ये मदद करने वाला है। यहाँ से इसको भी टायर्स की मदद से ही जो डिमोलिशन साइट है ट्विन टावर्स की, सुपरटेक ट्विन टावर्स की, वहाँ पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर इसको तोड़ा जाएगा जो भी वहाँ डेब्री पड़ी हुई है, क्योंकि 100 मीटर ऊंचा डेब्री का पहाड़ वहां पर बना हुआ है। 80,000 टन का डेब्री निकला है। ऐसे में कोशिश है कि 50,000 टन का डेब्री वहीं के वहीं दबाया जाए, साथ ही जो 30,000 बचा हुआ है उसको यहां से लेकर जाया जाए। रेजिडेंट्स जरूर इस बात पर थोड़ी चिंता उठा रहे हैं कि यहां पर फिर से जो ठोका पीटी का काम होगा और फिर इसको तोड़कर यहां से ले जाया जाए। तो आज से सेकेंडरी डिमोलिशन का काम शुरू हो गया है। सेकेंडरी डिमोलिशन में क्या कुछ होगा आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो साइट पर कुल 80,000 टन मलबा इस वक्त पड़ा हुआ है और इस मलबे में से करीब 50,000 टन मलबा टावर के डबल बेसमेंट में डिस्पोज किया जाएगा। बाकी का मलबा सेक्टर 80 के एक प्लांट में डिस्पोज होगा। एक गांव में भी मलबे का निस्तारण होगा। मलबा साफ करने में 3 महीने का वक्त लगेगा। करीब 3,000 ट्रक की मदद से इस पूरे मलबे को यहां से हटाया जाएगा जो 50,000 टन के करीब है। मलबे में करीब 4,000 टन स्टील भी है और इसे बेचा भी जाएगा और जो सरिया है उसे भी बेचा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।